चलो आज करते हैं इस चैप्टर के तीसरे भाग की शुरुआत इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट अगर आप खेल के उपकरणों को देखेंगे यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोर्ड चेंज विद चेंजिंग टाइम्स एंड येट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड तो बच्चों अगर आप इस खेल के जो उपकरण हैं उन्हें देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि किस प्रकार से क्रिकेट बदल गया बदलते हुए वक्त के साथ पर फिर भी फंडामेंटली बना रहा यानी मूल रूप से वो बना रहा ट्रू सच्चा अपनी उस उत्पत्ति से जो की थी रूरल इंग्लैंड में ग्रामीण इंग्लैंड में क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल्स तो बच्चों जो क्रिकेट के ज़रूरी टूल्स हैं ज़रूरी उपकरण हैं वो बनते हैं नेचुरल प्राकृतिक प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल से पूर्व औद्योगिक मटीरियल यानी सामग्री से द बैट इज मेड विद लेदर ट्वाइन एंड कॉर्क बच्चों ये बात गलत लिखी है यहाँ पे बैट नहीं आएगा यहाँ पे आएगा बॉल तो जो बॉल है वो बनती है लेदर से चमड़े से ट्वाइन से एक प्रकार का ये भी एक सामान है बच्चों इवन टूडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड आज भी बैट और बॉल दोनों हैंडमेड है यानी हाथ से बनाए जाते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग्स पढ़े हैं इक्विपमेंट यानी कि सामान चेंज्ड यानी कि बदल गया फंडामेंटली मतलब मूल रूप से रिमेंड मतलब बना रहा ओरिजिन मतलब उत्पत्ति या फिर आरंभ, रूरल मतलब ग्रामीण इम्पोर्टेंट यानी कि ज़रूरी टूल्स मतलब उपकरण नेचुरल यानी कि प्राकृतिक प्री इंडस्ट्रियल यानी कि पूर्व औद्योगिक मटेरियल्स यानी सामग्री लेदर यानी चमड़ा हैंडमेड मतलब हाथ का बना नॉट इंडस्ट्रियली मैनुफैक्चर तो अभी भी बैट और बॉल हाथ से बनाए जाते हैं बच्चों वो इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर नहीं होते औद्योगिक रूप से उनका नहीं निर्माण होता द मटीरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम लेकिन बैट का जो मटीरियल है वो समय के साथ थोड़ा बदल गया वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड पहले बैट बनता था लकड़ी के एक ही टुकड़े से नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस पर अब बैट के अंदर दो टुकड़े होते हैं द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ विलो ट्री जो ब्लेड है यानी कि जिस हिस्से से बैट से आ, क्या किया जाता है बच्चों बॉल को मारा जाता है वो जो हिस्सा है वो बनता है विलो ट्री से एंड द हैंडल और जो हैंडल है जिस बैट पकड़ा जाता है विच इज़ मेड आउट ऑफ केन दैट बिकेम अवेलेबल वो बनता है केन से जो कि अवेलेबल हुआ उत, जिस क्या हुआ बच्चों उपलब्ध हुआ एज यूरोपियन कॉलोनिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टैब्लिश डेम सेल्स कब उपलब्ध उप, उप हुआ बच्चों केन जब यूरोपियन कोलोनिस्ट्स यानी कि उपनिवेश वादी जो थे और जो ट्रेडिंग कंपनीज थी व्यापार की जो कंपनीज थी वो एस्टैब्लिश हो गई उनकी स्थापना हो गई इन एशिया एशिया के अंदर तो देखिए हमने यहाँ कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हैं पहला है इंडस्ट्रियली यानी कि औद्योगिक रूप से मैन्युफैक्चर्ड यानी कि निर्मित हैंडल यानी हथा, अवेलेबल मतलब उपलब्ध कोलोनिस्ट्स मतलब उपनिवेशवादी ट्रेडिंग मतलब व्यापार और एस्टेब्लिश यानी की स्थापना अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटीरियल्स तो बच्चों गोल्फ और टेनिस से भिन्न अनलाइक यानी कि से भिन्न तो गोल्फ और टेनिस से भिन्न क्रिकेट ने इनकार कर दिया रीमेक करना पुनर्निर्माण करना अपने उन चीज़ों का जो खेल में इस्तेमाल हो रही है यानी बैट और बॉल उनका इस्तेमाल करना इंडस्ट्रियल या फिर मैन मेड मटीरियल से जैसे कि प्लास्टिक फाइबर ग्लास या फिर मेटल हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड उनको दृढ़ता के साथ में उनको रिजेक्ट कर दिया गया नकार दिया गया बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भाई बॉल और बैट के लिए तो ये जो प्लास्टिक फाइबर ग्लास और मेटल की जो चीज़ें थी उनसे नहीं उनका इस्तेमाल नहीं होता था बैट और बॉल बनाने के लिए पर जो प्रोटेक्टिव यानी कि जो रक्षात्मक जो इक्विपमेंट थे उपकरण थे क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले वो इन्फ्लुएंस जरूर हो गए प्रभावित हो गए टेक्नोलॉजिकल चेंज से प्रौद्योगिक बदलाव से द इन्वेंशन ऑफ वेल्कनाइज रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड इन एटीन फोर्टी एट तो बच्चों क्या हुआ जो आविष्कार हुआ था वल्कनाइज्ड रबर का उसके कारण क्या हुआ उस वल्कनाइज्ड रबर का इस्तेमाल होने लगा किसमें पैड्स बनाने के लिए तो बच्चों यहाँ पे देखिए कौन कौन से हमने शब्द पढ़े हैं पहला है अनलाइक यानी कि से भिन्न फिर है रिफ्यूज मतलब इनकार किया रीमेक मतलब पुनर्निर्माण फर्मली मतलब दृढ़ता से रिजेक्टेड यानी कि नकार दिया प्रोटेक्टिव यानी कि रक्षात्मक इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित टेक्नोलॉजिकल यानी कि प्रौद्योगिकीय इन्वेंशन यानी कि आविष्कार इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 तो उसके कारण वर्कनाइज रबर के कारण 1848 में शुरुआत हुई पैड्स की और प्रोटेक्टिव ग्लव्स की हाथ में जो दस्ताने पहने जाते हैं क्रिकेट खेलने वाले उनकी एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अन इमेजिनेबल विदाउट द हेलमेट्स और ये जो हमारा मॉडर्न गेम है यानी कि जो आधुनिक क्रिकेट है ना उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे अकल्पनीय था वो बिना हेलमेट के जो कि बनता है मेटल से और सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम लाइट वेट मटीरियल से हल्के सामान से तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं पहला है इंट्रोडक्शन यानी कि शुरुआत मॉडर्न यानी कि आधुनिक अनइमेजिनेबल मतलब अकल्पनीय सिंथेटिक मतलब कृत्रिम लाइट वेट हल्का और मटेरियल्स यानी कि सामान तो बच्चों और बहुत कुछ जानेंगी क्रिकेट के बारे में अगले वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में